अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी, भारी पुलिस बल मौजूद। डीएसपी जोगिंदर शर्मा मौके पर पहुंचे। इंचार्ज कुलदीप जांगड़ा ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को कहा कि सरकार के आदेशानुसार काम पर आना बेहद जरूरी है, काम पर नहीं आते हैं तो सरकारी निर्देशानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सरकार द्वारा इसमा व धारा 144 लगाने के बावजूद रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान स्थिति का जायजा लेने के लिए डीएसपी जोगिंदर शर्मा, सिटी प्रभारी अरुणा सिंह व सदर एसएचओ सोमवीर ढाका पहुंचे। उन्होंने रोडवेज अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि सरकारी आदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान रोडवेज विभाग फतेहाबाद से आए स्पेशल अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि सभी हड़ताल पर बैठे कर्मी अपने काम पर वापस लौट आए, यात्रियों को परेशानी न होने दी जाए वरना उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, हमारे पास टोटल 44 गाड़ियां हैं जिसमें से 43 ऑन रूट थी, एक डिटेन है वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लिए। उन 43 में से हमने 43 पे ही ड्यूटी लगा दी गई थी। उसमें से अब तक 8:15 तक 23 गाड़ियां रूट पे जानी थी, तो 23 में से सिर्फ 5 ड्राइवर जो नए हमने भर्ती करे हैं पीछे भर्ती में, जिनको हमने टर्मिनेशन नोटिस जारी कर रखा था, सिर्फ वही कर्मचारी ड्यूटी पे आए और 41 जो कर्मचारी हैं कंडक्टर और ड्राइवर वो ड्यूटी पे नहीं आए, जिसकी वजह से अभी तक कोई गाड़ी नहीं चल पाई। हमने प्रयास काफ़ी किया है, दोनों DI जो पूरा DI दलवीर सिंह और मौके का DI है जो मैन पावर को मैनेज करता है, उन दोनों को मैंने पास बिठा के उनसे डिस्कस कर लिया। उन्होंने पर्सनली ड्राइवर कंडक्टर से संपर्क किया पर कोई तैयार नहीं था। उसके बाद जहाँ धरना स्थल है वहाँ हमने जाके उनसे बार बार विनती करी है, अपील करी है और जो सरकार की जो हिदायतें हैं IPC की धारा लगा रखी 144 और स्टे ऑर्डर हो रहे हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट की ऑर्डर्स हैं, ESMA लगी हुई है, उसके बारे में कर्मचारियों को अवगत करा दिया और उनको ये भी कहा कि जनता परेशान है, उनसे निवेदन किया गया कि आप ड्यूटी पे आएँ, उसके बावजूद वो नहीं आ रहे, बार बार अनाउंस भी हमने कर लिए। सर, हमने हमारे मुख्यालय को तो महाप्रबंधक मोदी जी को रिपोर्ट भेज दी गई है, उनको अवगत करा दिया गया इस स्थिति से। कार्रवाई तो ESMA में तो देखो जी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, इसके अंदर कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।